हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। उनमें हम स्ट्रिंग और बूलियन डाटा टाइप्स के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे इस पीडीएफ के अंदर। ठीक है, इससे पिछली क्लास के अंदर आपने डाटाबेस टाइप की जो पार्ट वन थी उसमें ये जाना था कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और साथ में आपने जो इसके अंदर मतलब देखेंगे कि आपने ये पढ़ा था कि न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स के बारे में इंटीजर, फ्लॉट और कॉम्प्लेक्स, इन चीजों के बारे में आपने वहां रीड किया था। ठीक है, और जैसे कि हमने न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स में पढ़ा था कि विभिन्न तरह के जितने भी नंबर्स हैं उनको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह हम इसके अंदर जो नाम स्टोर करना है उसके साथ स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या है, ठीक है, उसके बारे में स्ट्रिंग डाटा टाइप, बूलियन डाटा टाइप कन्वर्शन और एक्सरसाइज, मीन्स हम स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बूलियन के अंदर ऐसा कोई भी डाटा जिसको हम ट्रू और फॉल्स के रूप में स्टोर करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, तो तुम्हारा जो आपका जवाब होगा वो होगा कि यस और नो। प्रोग्रामिंग में हम कोई भी इसे ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसका आंसर हमेशा, ठीक है, ट्रू या फॉल्स के रूप में रहे आपके पास, ट्रू या फॉल्स के रूप में रहे, हम उसको जो एक्सप्रेशन है उसको हम बूलियन डाटा टाइप्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद बहुत बार हमको किसी भी डाटा टाइप को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग है और उसमें सिर्फ नंबर्स हैं, तो अगर हमें उस नंबर में एक जोड़ना है, एक जोड़ना हो, स्ट्रिंग कैसे हो गया, आप सोचेंगे इस नंबर में स्ट्रिंग में नंबर कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए इसको 10 है, आपने उनको कॉलन कॉल करके बंद कर दिया, स्ट्रिंग बन गया आपके पास ही। ठीक है, लेकिन आप इसमें अगर एक जोड़ना चाहते हैं तो पहले स्ट्रिंग को हमें क्या करना होगा, इंटीजर में बदलना होगा। ठीक है, और डाटा टाइप बदलने के लिए हम पाइथन में टाइप जो यूज करते हैं, हमारे पास डाटा टाइप कन्वर्शन फंक्शन यूज करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, और इसके बारे में देखेंगे आप, इसके बारे में जो इस पीडीएफ के अंदर पढ़ेंगे, पाइथन डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग डाटा टाइप्स, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में लिख जाएंगे, बूलियन डाटा टाइप्स के बारे में जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके जो मैंने एग्जाम्पल किया था पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है, डाटा टाइप कन्वर्शन के बारे में। ठीक है, जैसे कोई स्ट्रिंग है, नंबर था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, बूलियन था स्ट्रिंग बना रहे हैं, फिर उसकी बूलियन वैल्यूज को चेक करवा रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको लास्ट के अंदर। ठीक है, इन सभी को आपने करना होगा, इन सभी को कर करके देखेंगे आप, क्लियर। और इस वीडियो के साथ आपको एक पीडीएफ भी शेयर की जाएगी जिसमें डाटा टाइप्स के टॉपिक समझाए गए होंगे, साथ ही आप ये विषय मेराकी पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको मेराकी पर लॉग इन करना है, जो आपके टीचर्स ने आपको लिंक दिया है उसके थ्रू आप लॉग इन कर चुके होंगे। अंत में डाटा टाइप जो उसके कोर्स वाले पोर्शन है, जो सेकंड पोर्शन है कोर्सेज के अंदर, उस पर डाटा टाइप्स पर क्लिक करेंगे, वहां आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और वहां पर कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, और मेराकी के लास्ट पॉइंट प्ले पर जाकर आप मेराकी पाइथन पर जाकर इसकी प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं। ये सारे जितने भी कोडिंग की गई है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए आप मेराकी के प्ले पर जाइएगा, वहां आपको इनके बड़े ही अच्छे तरीके से आंसर आप ढूंढ पाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।